पिछले 24 घंटों में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ में एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है वो 76 मिलीमीटर तोरपा खूंटी में रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 37.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। मुख्य वर्षापात की बात करें तो तोरपा में 76 मिलीमीटर, चकुलिया में 58, डुमरी में 58, चकरधरपुर में 49 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश रिकॉर्ड की गई है। शेष इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे हुए गंगीय पश्चिम बंगाल में पिछले 2-3 दिनों से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो कि आज सुबह में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है इसका अभी अगले 2 दिन में जो मूवमेंट है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में होगा और उसके बाद से जो इसका मूवमेंट अगले 3 दिन में पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो लो प्रेशर बना है और ये अभी में इसका जो एलोकेशन की बात की जाए तो ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी सटे हुए गंगीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास में ये है और इसका मूवमेंट है उत्तर पश्चिमी दिशा में अभी इसका मूवमेंट हो रहा है। इस सिस्टम के अगले 2 दिनों में और भी गहराने की संभावना है और 2 दिन के बाद से ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा जो फिर गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड को होके ये गुजरेगा। और बात किया जाए मानसून ट्रफ की, तो मानसून ट्रफ अभी जो पास कर रहा है मीन सी लेवल पे वो फिलौदी, बनस्थली, शिवपुरी, सीधी, रांची होता हुआ ये जो सेंटर ऑफ लो प्रेशर है वहाँ जो नॉर्थ वेस्ट बे पे एक्सटेंड कर रहा है ये वहाँ पे अभी स्थित है। और बात करें कि आने वाले दिनों में इसको देखते हुए कैसा मौसम रहेगा, तो पूर्वानुमान की बात करें तो आज 16 तारीख में राज्य में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 17 से लेकर 20 तक में आपको राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो आज 16 तारीख में उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं पलामू संभाग के, साथ में जो मध्य इलाके हैं और दक्षिणी कोल्हान के साथ में जो सिमडेगा वाला इलाका है वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है और यही स्थिति 16-17 दोनों दिन रहेगी। 18 तारीख में जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट है और राज्य के मध्य भागों में आपको कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 19 तारीख में की बात करें तो राज्य के उत्तर और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है, साथ में दक्षिणी और उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं और कुछ उत्तर पूर्वी के भाग हैं वहाँ पे कुछ जगह पे भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। 20 तारीख को दक्षिणी भाग उससे सटे हुए मध्य भाग में आपको कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो मेन जो सिस्टम का जो असर है वो 18 और 19 में झारखंड में देखने को मिलेगा जहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश वाले इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, साथ में उससे सटे हुए जो मध्य के इलाके हैं वहाँ के लिए आपको येलो अलर्ट है। तो ये जो सिस्टम है और इसका जो डेवलपमेंट है उससे आने वाले दिनों में झारखंड में आपको बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 18 और 19 में इसको भारी से बहुत भारी बारिश के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए येलो अलर्ट है। तो अभी आपको आने वाले दिनों में जो बारिश है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सिस्टम के कारण ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में गर्जन वज्रपात की भी चेतावनी है, तो अभी 16-17 में 2 दिन में गर्जन वज्रपात की चेतावनी है जिसको लेकर लोग सजग रहेंगे। आने वाले दिनों में भी सिस्टम क्योंकि आ रहा है और गर्जन वज्रपात की स्थिति आने वाले दिनों में भी आगामी दिनों में भी बनती हुई दिखेगी, तो लोग थोड़ा सा सचेत रहें, पेड़ के नीचे में गर्जन वज्रपात की स्थिति में ना जाएं, इलेक्ट्रिक पोलों से थोड़ी दूरी बना के रखें। गर्जन वज्रपात के समय में जो खिड़की पे जो ग्रिल है या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं थोड़ा सा उसका उपयोग कम से कम करें तो उतना अच्छा होगा। अभी तक मानसून की स्थिति की बात करें तो अभी तक जो मानसून है झारखंड में उसमें वास्तविक वर्षापात है वो 581 मिलीमीटर हुआ है और जो सामान्य वर्षापात है वो 668.6 मिलीमीटर हुआ है और जो विचलन है -13% में चल रहा है। 15 जिले हैं जहां पे सामान्य वर्षापात अभी तक हुआ है, 9 जिले हैं जहां सामान्य से थोड़ा सा कम हुआ है। उसमें से भी खासकर बात करें तो पाकुड़, चतरा, देवघर और लोहरदगा में थोड़ा सा कम बारिश देखने को मिल रही है और शेष जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है, जामताड़ा है, वो सामान्य के आसपास में ही अभी उनका जो डिपार्चर है वो देखने को
हम लोग को मिल रहा है। और आज 16 तारीख में ही जो अगस्त का जो सामान्य रेनफॉल होना चाहिए था वो हो गया है, और अभी आने वाले दिनों में जो भी रेनफॉल होगा वो अगस्त के लिए एक्सेस में ही होगा, तो जिससे कि जो विचलन है डिपार्चर उसमें भी कमी आने की हम की संभावना बहुत अच्छी हुई बनती हुई दिख रही है। तो अभी सिस्टम को लेके थोड़ा सा लोग थोड़ा सा सचेत रहेंगे, खासकर 18-19 में जब जो सिस्टम का जो मेन प्रभाव है उस दिन देखने को मिलेगा। लोग अपना खास ख्याल रखें। धन्यवाद।